नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम। दोस्तों कहीं आपके घर में भी तो आपने घर में घड़ी को गलत दिशा में तो नहीं लगाया है? कहीं आपके घर में वस्तु दोष तो नहीं है? कहीं आपके भाग्य को रोकने का कारण आपके घर में लगी हुई दीवार घड़ी तो नहीं है? कहीं आप भी तो चिड़चिड़े और छोटी मोटी बात पर घर में झगड़े तो नहीं होते? आपका अच्छा समय आपका गलत समय में तो नहीं बदल जाता? तो भूलकर भी इस दिशा में न लगाएं घड़ी, इससे फैलती है घर में नकारात्मकता। इसी के साथ हम जानेंगे दोस्तों कि आपको कैलेंडर कहां पर नहीं लगाना है या गलती आपको नहीं करनी है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो कैसे आप जान सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि वास्तु दोष दूर हो और आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें जय सीताराम, जय बालाजी सरकार। तो दोस्तों अब जानते हैं गुरु जी के आशीर्वाद से कि वो क्या कहते हैं घड़ी के सही दिशा निर्देश के बारे में। दोस्तों हम सभी के घर में घड़ी का प्रयोग किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। अगर हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव पड़ता है तो वह है समय। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता, अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते रहते हैं। इस समय चक्र का चलना कायम ही रहता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन अगर हम आपसे कहे कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जी हाँ हम बात कर रहे हैं घर में लगी घड़ी की जिसे हम रोज निहारते हैं, पर कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों हम कई बार जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा प्रभाव डालती है। घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान ले क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही घर के लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर में नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों नंबर एक, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को शक्कर मिला आटा दे, तांबे के लोटे में जल व लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाएं, सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दे। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर दो, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दे तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों नंबर तीन, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छिपा कर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर चार, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है, ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर पाँच, घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डुबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए, इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती है। दोस्तों नंबर छह, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर सात, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहाँ कपूर की दो टिकियाँ रखें, खत्म हो जाने के बाद वहाँ दोबारा इसे रखें। नंबर आठ, सूर्य अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध दही या प्याज नहीं देना चाहिए, ये भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर नौ, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ा दान कभी भी न रखें। नंबर दस, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर ग्यारह, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं, शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं।
नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। यह प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और माँ लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगाने चाहिए, इससे आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक कभी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यह ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही प्राप्त होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों घड़ी का आकार, यानी घड़ी की शेप। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई प्रकार की घड़ियां मौजूद हैं, जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का प्रभाव देखने को मिल सकता है। और भगवान की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दी, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और ये शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद करे। घड़ी का गोल या अंडाकार होना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है, जो को और घड़ी में जो नुकीले धारदार कोण होते हैं। और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। दोस्तों, अगली बार जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धूल ना जमा होने दें और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी प्रकार अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए, यानी कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल और जालों को साफ करते रहें, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी घड़ी को बनवाकर ही चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल चढ़ी हुई और बंद घड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वो अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। अगली बार जिसका आपको ध्यान रखना है वो है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है, इसीलिए वास्तु शास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे समय का प्रभाव आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। जहां घड़ी समय का प्रतीक है, तो वहीं कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, ये इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपया करके अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं। दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक हैं, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घड़ी का समय हमेशा सही होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है घड़ी का समय आगे या पीछे रखते हैं, तो ये गलती आप ना करें। समय हमेशा सही रखें, इससे आपको कभी भी समय का कालचक्र और दुष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होता। ये छोटा सा उपाय आप जरूर करके देखिए। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, पुरानी बंद रखी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है, इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए। और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में ना लगाएं, ना ही इसे कभी मुख्य द्वार पर टांगें।
ये शुभ नहीं माना जाता। पुरानी घड़ी किसी को दान में देना शुभ माना जाता है, इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई पुरानी घड़ी है जो टूटी फूटी ना हो और खराब ना हो तो वो आप किसी जरूरतमंद को दान में जरूर दें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। हर हर महादेव। जय सीताराम। धन्यवाद।